शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें या बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाषा की और कोशिश करेंगे भाषाओं की गलियों से होते हुए इतिहास को खंगालने की। शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको इस देश का इतिहास समझना है तो आपको भाषा समझनी होगी। अगर आपको मानव सभ्यता का इतिहास समझना है तो आपको भाषा समझनी होगी। भाषाओं पर बात करने के लिए हम मशहूर भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की किताब इतिहास का मुआयना, इस किताब का हम सहारा लेंगे। इस किताब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। उन टिप्पणियों की बात करने से पहले आपको ये समझना होगा कि भाषा किस तरीके से विकसित होती है। आपको ये समझने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में किसी छोटे बच्चे को देखकर इस विकास क्रम को समझ सकते हैं। एक जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले किस शब्द को बोलता है, आप ज्यादातर नोटिस करेंगे कि वो शब्द होते हैं पा मा हा, क्योंकि इन शब्दों में जीभ का टंग का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये शब्द बोलने में आसान होते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं कि मानव सभ्यता का जब विकास हुआ और मानव ने भाषाओं का इजाद किया, मानव ने बोलना शुरू किया, तो उसने किस तरह के शब्दों को बोलना पहले शुरू किया होगा। भाषा वैज्ञानिकों का कहना है और हमारे जो निजी अनुभव है उससे भी ये पता लगता है कि उन्होंने पहले सरल शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, जैसे कि ह प म, क्योंकि इनमें जीभ का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप किसी छोटे बच्चे को, जो कि 3 या 4 साल का बच्चा है, उसे अगर आप संस्कृत पढ़वाओगे तो क्या वो पढ़ सकता है? क्योंकि संस्कृत एक जटिल भाषा है। संस्कृत में हमारी जीभ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और जीभ का इस्तेमाल वही व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है जिसे अपनी जीभ का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण प्राप्त हो, जैसे कि हम लोग होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम सरल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम अपनी जीभ का इस्तेमाल करना सीखते हैं और हम थोड़े कठिन शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि च, जब हम च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी जीभ ऊपर टच हो रही है, जैसे कि झ, जब हम झ का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जीभ में भी मूवमेंट होगा, जैसे कि त्र, जब हम त्र का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जीभ का प्रयोग होता है। इसी तरह के बहुत सारे अक्षर हैं जिनका इस्तेमाल करते समय हम अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं, पर हमें ये बार बार पढ़ाया जाता है कि संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन भाषा है, संस्कृत भाषा बहुत सारी भाषाओं की जननी है। दोस्तों, हम सबको पढ़ाया जाता है कि संस्कृत भाषा बहुत ही प्राचीन भाषा है, लेकिन भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से जब राजेंद्र प्रसाद सिंह जी इस बात को परखते हैं तो उन्हें ये बात उचित नहीं लगती। इसीलिए अपनी इस किताब इतिहास के मुआयने में पेज नंबर 110 पर वो लिखते हैं, यदि आपने एक बार झूठ बोल दिया तो उसे साबित करने के लिए अनेक बार झूठ बोलना पड़ेगा। आपने एक बार झूठ बोल दिया है कि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, अब इसे साबित करने के लिए आप दूसरा झूठ बोल रहे हैं कि कोई भी भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है, कारण कि संस्कृत जटिल भाषा है और उसे आप कह दिए हैं कि सबसे प्राचीन है। प्राचीन काल का समाज सरल था और सरल समाज की सरल भाषा होती है, आप तो प्राचीन काल के सरल समाज की भाषा को ही जटिल बता रहे हैं। इस बात से आप क्या समझते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किस तरह एक बच्चा सरल भाषा बोलता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी जीभ प्रशिक्षित होती है, वो जीभ को इस्तेमाल करना सीखता है और वो कठिन शब्दों को बोलने लगता है, वैसे ही मानव जाति के साथ भी हुआ है। संस्कृत भाषा के प्रथम अभिलेख पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, संस्कृत का प्रथम लंबा अभिलेख रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख को माना जाता है, जिसे इतिहासकारों ने 150 ईस्वी के आसपास का बताया है, मगर जूनागढ़ अभिलेख की संस्कृत भाषा रामायण महाभारत और पुराणों की भाषा से भी अधिक जटिल एवं अलंकृत है। जूनागढ़ अभिलेख के लंबे लंबे समास हैं तथा भाषा की दृष्टि से यह 7वीं सदी के कवि बाणभट्ट की भाषा के निकट है। इसमें एक शब्द है राष्ट्र, राष्ट्र का अर्थ इतिहासकारों ने राज्यपाल या राष्ट्र कर वसूल करने वाला अधिकारी किया है।
मगर जूनागढ़ अभिलेख में प्रयुक्त राष्ट्र का अर्थ साला है। पुष्यगुप्त, जिसे इतिहासकारों ने सौराष्ट्र का प्रांतीय राज्यपाल बताया है, वह वास्तव में सम्राट अशोक का साला है और साला के अर्थ में ही जूनागढ़ अभिलेख में राष्ट्र का प्रयोग है। साला के अर्थ में राष्ट्र का प्रयोग संस्कृत साहित्य में पहली बार कालिदास ने किया है, इसलिए भारत में संस्कृत का प्रथम लंबा अभिलेख, जिसे दूसरी सदी का बताकर ढोल पीटा जा रहा है, वह छठी या सातवीं सदी के बाद का है। इसी किताब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी पेज नंबर 107 में गांव के नामों पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, भारत में किसके हैं गांव, किसने बसाए हैं गांव, किसने रखे हैं इनके नाम, संस्कृत में है किसी गांव का नाम? नहीं है ना, खोज लीजिए। संस्कृत भाषियों के नहीं है ये गांव। अंग्रेजी में है किसी गांव का नाम? नहीं है ना, खोज लीजिए। अंग्रेज भारत छोड़ो। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर संस्कृत बहुत ही प्राचीन भाषा होती तो भारत के गांवों के नाम भी संस्कृत के ऊपर रखे गए होते, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के गांव संस्कृत के एवज में प्राकृत भाषा से या पाली भाषा के समीप ज्यादा मिलते हैं। वेदों और वेदों की भाषा पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी पेज नंबर 118 पर लिखते हैं, वेदों की भाषा अवेस्ता ग्रंथ ईरान की भाषा से मिलती जुलती है, इतनी कि अवेस्ता के बहुत से छंद थोड़े परिवर्तन से वेदों के छंद बन जाते हैं। अवेस्ता के चार भाग हैं, जैसे वेद चार हैं, ऐसे ही अवेस्ता का अर्थ वेद और वेद का अर्थ अवेस्ता होता है। भाषा वैज्ञानिकों ने माना है कि जैसे जैसे वेद भाषियों का संपर्क भारत में बढ़ता गया, वैसे वैसे वेदों की भाषा में ल का प्रयोग बढ़ता गया, अर्थात भारत आने पर वेदों में ल ने प्रवेश किया। इसलिए जिन वेदों में ल का प्रयोग कम है वे पुराने हैं, तथा जिन में ल का प्रयोग अधिक है वे बाद के हैं। ऋग्वेद के पुराने मंडलों की तुलना में नए मंडलों में ल का प्रयोग 8 गुना है और ऋग्वेद की तुलना में अथर्ववेद में ल का प्रयोग 7 गुना है। यदि ल के प्रयोग को आधार बनाया जाए तो अवेस्ता में ऋग्वेद की तुलना में ल के प्रयोग का नितांत अभाव है, इसलिए वह ऋग्वेद से भी पुराना है। जब ल के प्रयोग के आधार पर भाषा वैज्ञानिक बताते हैं कि अथर्ववेद बाद का है और ऋग्वेद पहले का है, तब उसी आधार पर वे क्यों नहीं बताते कि ऋग्वेद बाद का है और अवेस्ता पहले का है? अगर आप इस चीज को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुरानी भाषा है उसके शब्द आपको नई भाषा में मिल जाएंगे, लेकिन जो नई भाषा है उसके शब्द आपको पुरानी भाषा में नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप इसको इस उदाहरण से समझिए कि आज से 10 साल पहले जो बहुत बड़ा जो कंप्यूटर आता था उसके गुण आपको इस लैपटॉप में तो मिल जाएंगे, लेकिन इस लैपटॉप के गुण आपको उसमें नहीं मिलेंगे। जो प्रोग्राम हम उसमें यूज करते थे वो प्रोग्राम हम इसमें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोग्राम हम यूज करते हैं वो उसमें कतई नहीं कर सकते। अगर आपको इतिहास को समझना है तो आपको भाषा को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप भाषा को नहीं समझेंगे आप इतिहास की उन भूल भुलैयाओं को पार ही नहीं कर पाएंगे जिनके उस पार आपको सही इतिहास मिलेगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस किताब में बहुत ही बेहतरीन जानकारी है, बहुत ही बेहतरीन रहस्य उद्घाटन किए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। इस किताब को मंगाइए और पढ़िए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं, बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, वहां से नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जरूर फॉलो करें। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चारों जगह पर अवेलेबल हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जौहर।